नमस्कार दोस्तों, बेडरूम बेडरूम वह कमरा होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और वैवाहिक दाम्पत्य के जीवन में सबसे ज्यादा खास यही होता है कि जब वह अपने पति या फिर पत्नी के साथ उस समय को बिताता है जो समय उसके लिए खास होता है। लेकिन जब हम समय बिताते हैं या फिर उस समय में हम अपनी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होना या फिर सर में दर्द होना, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमने अक्सर देखा है यदि बेडरूम का वास्तु शास्त्र अच्छा नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से घर में कलेश, लड़ाई, फिर झगड़े भी हो जाते हैं। यदि आपका बेडरूम है तो बेडरूम में आप खास ध्यान रखें कि आप बेडरूम में काम की कोई भी बातें ना करें। आप प्यार भरी बातें कर सकते हैं अपनी पत्नी के साथ या फिर कुछ ऐसी बातें कर सकती हैं जो अपने पति के साथ ही शेयर कर सकते हैं या फिर किसी और से शेयर नहीं कर पाते हैं। वह चीज़ें शेयर करने के लिए ही बेडरूम होता है, उसमें काम से कोई रिलेटेड बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तु शास्त्र का कुछ खास महत्व होता है, यदि उसके अनुसार अपने कमरे को तैयार करते हैं तो उससे आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और आपके बीच में भी सामंजस्य बना रहेगा और प्यार भी बना रहेगा। जानते हैं आज वास्तु के अनुसार यदि आप अपने कमरे को डेकोरेट करते हैं तो उससे आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। यदि आपका बेडरूम उत्तर से पूर्व दिशा के बीच में पड़ता है तो वह आपके नकारात्मकता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान और देवी देवताओं की होती है। यदि आपका उस दिशा में बेडरूम है, आपके जो बच्चे होंगे उनकी शादी बहुत देरी से होगी या फिर शादी में रुकावटें आएंगी या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए यदि आपका कमरा उत्तर और पूर्व दिशा में पड़ता है तो वह आपके नकारात्मकता को भी बढ़ाता है और आपके बच्चों में आने वाली चीजों को भी और भी ज्यादा नकारात्मकता में कर देता है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में आपका बेडरूम होता है तो उससे आपको और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। उसमें आपको ना तो आराम से नींद आएगी, आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है या फिर आप चिंता मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि लोगों को आराम करने के लिए एक कमरा चाहिए होता है। यदि कमरे की व्यवस्था ही गलत हो तो उसकी वजह से आपको नींद ना आने की, अनिद्रा की बीमारी या फिर आपको कोई ना कोई इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपकी इस दिशा में बेडरूम है तो उसे जल्दी से वास्तु शास्त्र के अनुसार बदल दीजिए। यदि आपका उससे आपको थोड़े फायदे हो सकते हैं। यदि आपके बेडरूम की व्यवस्था गलत है, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप सोते समय ये बात ध्यान रखें कि आपका सर पूरब और दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ऐसा करके यदि आप सोते हैं तो आपको सोते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर अनिद्रा की भी कोई शिकायत नहीं होगी। आराम से आपको नींद आ जाएगी जिससे कि आप चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। यदि आप देख रहे हैं कि आपके बेडरूम की व्यवस्था गलत है और उसके बराबर में ही या फिर उससे सटा हुआ आपका बाथरूम है तो उसे जल्दी से बदल दीजिए। बाथरूम की व्यवस्था कहीं और कर लीजिए और ऐसा करने से आपके घर है चीजें, यदि आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपने बेडरूम को अच्छे से व्यवस्था करते हैं और अगर वास्तु के साथ आपका बेडरूम थोड़ा सा गलत बना हुआ है तो उसके लिए छोटे से सोल्यूशन भी हैं। अगर उन सोल्यूशन को आप ध्यान से समझते हैं या फिर उनके उपाय करते हैं तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।